नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सायमा। लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ जहां जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के कयास से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी नेता आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच में कोर्ट की तरफ से अखिलेश यादव के सबसे चहेते नेता आजम खान के हाथ में नोटिस थमा दिया गया। तो क्या है नोटिस का पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की परेशानी फिर से बढ़ गई है। उनके खिलाफ आवासीय भूमि को कृषि भूमि दर्शाकर कम स्टाम्प शुल्क लगाने के मामले में कोर्ट की तरफ से 3 नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि रामपुर प्रशासन ने हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम को 1,68,00,000 की वसूली का नोटिस उनके हाथों में थमाया है। प्रशासन ने वसूली के लिए अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में नोटिस भेजा है, साथ ही इसका जवाब भी मांगा है। दरअसल साल 2022 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बेंजीर घाटमपुर में एक जमीन की खरीद परोक्ता की गई थी, जिसके 3 बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि तीनों बैनामे में कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया गया था, जबकि जमीन आबादी से सटी हुई है। बता दें कि डीएम कोर्ट में कम स्टाम्प चोरी का मामला फिलहाल विचाराधीन है। इस मामले में विक्रेता अब्दुल्ला आजम खान ने बेंजीर घाटमपुर स्थित जमीन के 3 बैनामे कराए थे, जिसमें स्टाम्प की कमी पाई गई थी, जिस पर डीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। पहले अब्दुल्ला आजम के घर के पते पर नोटिस भेजा गया था, लेकिन वहां किसी ने तामील नहीं किया, इसलिए अब नोटिस हरदोई जेल भेजा गया है, जहां अब्दुल्ला आजम सजा काट रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी अलग अलग जेल में बंद है। आजम खान सीतापुर जेल में और आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है। अब कम स्टाम्प के मामले में 1,68,00,000 का नोटिस जारी होने के बाद अब्दुल्ला आजम की परेशानी और बढ़ सकती है। एक समय ऐसा था जब आजम खान के गढ़ में उनका दबदबा था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि आज आजम खान का परिवार अलग अलग जेलों में है और कोर्ट की तरफ से भेजे गए नोटिस की पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आजम खान जेल के अंदर से अपने बेटे की मुसीबत को कैसे सुलझाते हैं और क्या रास्ता निकालते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।